नमस्कार, आज हम बात करेंगे सेंट्रल विस्टा। जैसे कि आपको पता है कि आज 8 सितंबर 2022 को सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन किया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा का प्रोग्राम 2019 में शुरू हुआ था, उसके तहत नया पार्लियामेंट बना जा रहा है, नए मिनिस्ट्रीज़ के ऑफिस बनाए जा रहे हैं और राजपथ का एरिया, यानी जो इंडिया गेट का एरिया है, उसको ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है। राजपथ जिसका नाम आज चेंज कर दिया जाएगा। क्या आपको पता है कि राजपथ का नाम राजपथ कैसे पड़ा? राजपथ को बनाया था ब्रिटिशर्स ने और जॉर्ज फिफ्थ जो उनके राजा थे उसके सम्मान में इसका नाम दिया गया था राजपथ। जॉर्ज फिफ्थ वही हैं जिन्होंने कलकत्ता की से हटा के दिल्ली को इसकी राजधानी बना दिया था, तो उनके सम्मान में इसका नाम दिया गया था। इसको किंग्स के नाम से जाना जाता था, किंग्स वे, लेकिन आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद इसका नाम कर दिया गया था राजपथ, किंग्स वे का हिंदी नाम। लेकिन अब जो सरकार है उसने कहा कि गुलामी की मानसिकता है, ये ब्रिटिशर्स का दिया हुआ नाम है, तो इसको नहीं रखना चाहिए। और 7 सितंबर 2022 को मीटिंग हुई और ये फैसला लिया गया कि राजपथ का नाम अब कर दिया जाएगा कर्तव्य पथ। राजपथ वही एरिया जो आपने देखा होगा जहाँ पे परेड जाती है रिपब्लिक डे की, ये एरिया राष्ट्रपति भवन से लेकर नेशनल म्यूजियम जो दिल्ली में वहाँ तक जाता है। इसी के बीच में चंद्र बोस जी की स्टैचू का भी उद्घाटन किया जाएगा। तो अब से ये जो जगह है ये कर्तव्य पथ का नाम इसको दे दिया गया है। आपको ये डिसीजन कैसा लगा? क्योंकि ये जो डिसीजन है ये सिर्फ गुलामी की मानसिकता को हटाने के लिए लिया गया है, सरकार का ये कहना है, अच्छी बात है। और आज इसी चीज़ का उद्घाटन है और इसी बारे में सब हर जगह चर्चा भी यही है। आपको इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसे मुझे बताएं। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।